Why me? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है? ऐसे प्रश्न हम सबके मन में घूमते रहते हैं। धृतराष्ट्र ने भगवान से इसी प्रकार का प्रश्न किया था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे 100 पुत्रों का वध हुआ, इतना भारी दुख मुझे ही क्यों मिला? मैंने इस जन्म में इतना बुरा कर्म तो नहीं किया। हाँ, पांडु पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन इतना बड़ा दुख मुझे क्यों मिला? धृतराष्ट्र को वरदान था, वह अपने 3 जन्म को जानता था। भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा, अपने पूर्व जन्मों को देखो, तुमने ऐसा कोई विकर्म किया है क्या? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं अपने 3 जन्मों को याद करता हूं। हाँ, कुछ विकर्म जरूर किए जिसका मुझे फल भी मिला, लेकिन इतना बड़ा विकर्म मैंने नहीं किया। तब भगवान बोले, तुम्हें 3 जन्म याद हैं, लेकिन तुम आत्मा हो, तुमने अनेकानेक जन्म लिए हैं और हर जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ विकर्म भी हुए हैं, और हर जन्म में कर्मों का खाता दूसरे जन्म में हर आत्मा ले जाती है, और नए जन्म में उस कार्मिक अकाउंट को आत्मा बैलेंस करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा एक अच्छे घर में जन्म लेता है, सुख संपत्ति धन ऐशो आराम गोल्डन स्पून एंड माउथ, तो दूसरा बच्चा एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, बचपन से ही तन के रोग मन के रोग। तो यह हुआ पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट, जिसे बैलेंस कर रहा है वह बच्चा इस जन्म में। हम भी अपने आप से पूछते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम जिस घर में हमने जन्म लिया है, यही माता पिता मुझे क्यों मिले? यही भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, साथी, दोस्त, यही मुझे क्यों मिले? और इनके साथ मेरा संबंध ऐसा ही क्यों है? किसी के साथ अच्छा तो किसी के साथ उतना अच्छा नहीं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें इस जन्म को देख के मिल जाते हैं। वो पड़ोसन मेरे घर में रोज आती थी, लेकिन कुछ दिनों से नहीं आ रही, तो हम समझ जाते हैं उस दिन मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमें इस जन्म के कर्मों को देखकर समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। मेरे ही साथ ऐसा क्यों? कोई चोर मेरे घर में चोरी करता है, तो मेरे ही घर में उस चोर ने चोरी क्यों की? मेरे पड़ोसी के घर में क्यों नहीं की? तो यह इसलिए है क्योंकि उस चोर को मेरी तरफ से कुछ देना बाकी था मेरे पिछले जन्म में, जो अब इस जन्म में चुक्त हो गया, बैलेंस हो गया। तो मुझे खुशी होनी चाहिए, मेरे अकाउंट्स बैलेंस हो रहे हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवीनानि गृणाति नरोपराणि। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मैं आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती हूँ, पुनर्जन्म लेती हूँ।
और जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो अपने कार्मिक अकाउंट नए जन्म में ले जाते हैं, जहां हम अपने पुराने कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। थ्योरी ऑफ पास्ट रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स अपने पुराने जन्मों पर रिसर्च कर रहे हैं और यह थ्योरीज हैं जिससे यह साबित होता है कि मनुष्य पिछले जन्म में उन्होंने जन्म लिया था। लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे कुछ पुस्तकें भी निकली हैं जिसमें साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि पुनर्जन्म होते हैं। तो इस प्रकार जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है, मेरे पुराने जन्मों के कार्मिक अकाउंट का नतीजा है। तो अब हमें क्या करना है? बहुत बार हम यह प्रश्न पूछते रहते हैं, यह मेरे ही साथ क्यों होता है? कभी जो हमारे साथ बुरा करता है उसके लिए हमें क्रोध आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है, पर इससे क्या होता है, हम अपने ही कार्मिक अकाउंट्स को और बुरा बनाते जाते हैं, उन्हें बैलेंस करना फिर और ही मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे क्या करना है? जिस प्रकार एक सागर होता है, विशाल सागर, अथाह सागर, अनंत सागर, उसमें कितनी नदियां, नाले अपनी गंदगी, कूड़ा करकट डालते रहते हैं, लेकिन सागर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उतना ही स्थिर है, विशाल है, अनंत है, हर गंदगी को अपने आप में समा लेता है। उसी प्रकार भगवान ज्ञान का सागर है, और जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, ज्ञान लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान लेते जाते हैं, तो हम भी भगवान की तरह मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। जैसे अभी हमें कार्मिक अकाउंट का ज्ञान हुआ और हमें यह समझ में आया कि कार्मिक अकाउंट को चुप तो करना है, तो हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, कैसा भी कोई व्यवहार करे, मुझे बहुत खुशी खुशी उस परिस्थिति को समा लेना है, उन लोगों को समा लेना है, क्योंकि अब मैं भी ज्ञान का सागर, मास्टर ज्ञान सागर बन गए हैं। हमें ज्ञान है तो हर परिस्थिति को हमें खुशी खुशी समा लेना है, और ऐसा करके हम अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करते जाते हैं, क्योंकि हम ही जानते हैं पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को, इस प्रेजेंट मोमेंट को हमें जी लेना है, बहुत खुशी से हमें प्रेजेंट लाइफ को, जीवन, हमारे जीवन को यापन करना है। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस, एवरी मोमेंट इज वर्थ लिविंग, एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज फिल्ड विद हैप्पीनेस। जो भी हो रहा है हमें खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करना है। तो जब भी हमारे मन में प्रश्न आता है, ऐसा क्यों, वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसका उत्तर, हमें हर परिस्थिति को, हर समस्या को, हर इंसान को समा लेना है, हर एक व्यक्ति को समाते हुए हमें खुशी खुशी इस जीवन को यापन करना है, क्योंकि एवरी मोमेंट इज प्रेशियस, एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, और हम बहुत खुशी खुशी इस जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इसी आशा के साथ कि जब भी यह प्रश्न आपके मन में आए, वाई मी, आप क्या करेंगे, जो भी हो रहा है उसे समाते चले जाएंगे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे। एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।